कस्बा बरसाना में प्रसिद्ध लालड़ी जी के मंदिर में जो मुख्य आयोजन है राधा अष्टमी का, वो होना प्रस्तावित है। 14 तारीख को ये कार्यक्रम होना है। श्रद्धालुओं का आवागमन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मुख्य रूप से 13 तारीख और 14 तारीख को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर लागू रहेगी। इसमें एक बृहद ट्रैफिक का प्लान बनाया गया है, जिसमें कि जो भी रोड्स मथुरा के अंदर से या इवन भरतपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी सब जगह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिन रोड से वो आ रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक के बैरियर्स लगाए गए हैं, प्रॉपर पार्किंग का प्रबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मंदिर का जो आवागमन है, उसमें जिस तरफ से आना है और एग्जिट है, उसको मार्क कर लिया गया है। सीनियर अधिकारी वहाँ पर पोस्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जनपद मथुरा के अलावा हमारे पास रेंज से और जोन से भी फोर्स आया है। PAC भी लगाई जा रही है और अभिसूचना से भी हमारे द्वारा सूचनाएं संकलित की जा रही हैं, ताकि इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे आयोजन को सुरक्षा के एक अच्छे घेरे में इसको संपन्न कराया जा सके और जो भी श्रद्धालु और दर्शनार्थी इस अवसर पर यहाँ पर आते हैं, वो सुरक्षित और सुविधापूर्वक यहाँ से दर्शन करके जाएं और अच्छी स्मृतियाँ लेकर के जाएं। सर, मंदिर में प्राय देखा जाता है कि भीड़ बहुत होती है जल अभिषेक के समय पर, उसके लिए कितने जुर्मा सत्तर से मारा गया है। देखिए, क्योंकि ये पूरे साल में एक बार ये मेला आता है और बहुत सिद्ध स्थान पर ये मेला होता है, इसलिए दर्शनार्थियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। जो सुबह का समय है, जिस समय पर अभिषेक होता है, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया गया। टोटल 2 जोन्स में इस पूरे क्षेत्र को बांटा गया है, 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। जनपद के यहाँ पर सर्कल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, 25 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं, PAC की टुकड़ियाँ लगाई गई हैं और भारी संख्या में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स की भी तैनाती यहाँ पर की गई है।